अच्छा सुनो, ऊपर वाले या नीचे वाले जो भी इसका रखवाला है, अगर मैं इस हालात से जिंदा बाहर निकला तो मैं मटन खाना छोड़ दूंगा और ताना कसना भी। ठीक है, अब मैं और क्या करूं? मैंने अपनी पूरी पहचान ही दे दी, सौ का मटन और ताना कसने वाला लड़का, पर अब मैं सौ का एक शाकाहारी और सीधी बात करने वाला लड़का बन जाऊंगा। सौदा, एंग, क्या बात है, तुम्हारे पास थोड़ा मटन है? सौ का, तुम ठीक तो हो ना? रुको रुको, इस तरह मेरी उंगलियां तो बाहर आ जाएंगी पर मैं अंदर का अंदर रह जाऊंगा। मैं एयर बेंडिंग करके तुम्हें निकाल लूंगा। एंग, माना कि तुम इसमें काफी नए हो, पर तुम अर्थ बेंडिंग करके मुझे बाहर क्यों नहीं निकालते? मुझे माफ करना, मैं नहीं कर सकता। अगर तुम नहीं कर सकते तो फिर टॉफ को क्यों नहीं बुलाते? मैं ये भी नहीं कर सकता। नहीं कर सकते, पर क्यों? इसलिए क्योंकि ऐसा करके मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा? और मैं इस तरह अटका हुआ हूँ, वो अच्छा लग रहा है तुम्हें? नहीं सौका, ये अर्थ बेंडिंग ने मुझे मुसीबत में डाल दिया है। मुझ पर कितना दबाव है, सब लोग चाहते मैं इसे एक बार में सीख जाऊँ, वो ये नहीं सोचते मैं कितनी अजीब हालत में हूँ। अजीब हालत, मैं ये बखूबी जानता हूँ। अगर मैं कोशिश करूँगा तो हार जाऊंगा, और अगर कोशिश नहीं करूँगा तो कभी नहीं सीख पाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बीच में कहीं अटका हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ एंग, ये है मेरा दोस्त फूफू छुटकू पुप्स। फूफू छुटकू पुप्स, ये है एंग। कितना प्यारा नाम है इस एक दांत वाले जंगली हिरन के बच्चे का। क्या, ये एक दांत वाला जंगली हिरन नहीं लगता? ये तब पता चलेगा जब इसके बड़े दांत और सींग उग जाएंगे। यहाँ क्या कर रहे हो मेरे दोस्त, तुम्हारी माँ खो गई है? लीजिए, हमें आपका बच्चा मिल गया। देखा, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, हम आपके दोस्त हैं। एंग, ये ठीक नहीं है, तुम्हें मुझे यहाँ से बाहर निकालना होगा। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? सुनो एंग, तुम्हें अर्थ बेंडिंग करके मुझे यहाँ से बाहर निकलना ही होगा, और कोई चारा नहीं है। अब क्या करूं? मुझे वापस अकेला मत छोड़ना। नहीं छोड़ूंगा,